सर ये देखो अब ये कम कर, अब ये कम करो कि ये क्या सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है मुझे के लिए लड़ रहे हैं जो हमने मेहनत करी है, बस हमें उसका रिजल्ट चाहिए, हमें अपनी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए हमें और कोई मांग नहीं है हमारी, कोई डिमांड नहीं है सर हमारी। अगर आपको लगता है कि कोई स्कैम है तो आप फिल्टर करो उनको, उन बच्चों को बाहर निकालो, हम किसी भी तरह की सीबीआई इंक्वायरी, किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी है, लेकिन अब हमारा मेहनत को कुछ लो मत सर, हमारी फैमिली के इमोशंस जुड़े हुए हैं, हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है, हम ये सोच रहे थे कि अब हमारी ज्वाइनिंग होगी, हम ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन करना पड़ रहा है सर, बस अपने हक के लिए कि हमारा हमने हार्ड वर्क किया, हमने क्वालिफाई किए एग्जाम, हमें बस हमारी सिलेक्शन लिस्ट दो, बस हमारी कुछ डिमांड ही है एलजी सर से, बस यही, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, हम सभी 972 बच्चों को सुन रहे हैं, तो बस यही है कि हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं कर सकता तो कुर्सी से उठे, अपने कुर्सी छोड़ दे, पहले एक स्क्रैप की मतलब इसमें फाइनेंस अकाउंट में ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ही कोई एविडेंस है, ना ही कोई प्रूफ ऐसा मिला है, मतलब सेफ थी सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई हमारी, डीवी भी हमारी हो गई, अब फाइनल लिस्ट और सिर्फ ज्वाइनिंग डालनी थी, अब तब से दो महीने हमारे हो गए डीवी हुए, हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि हमारी कब सिलेक्शन लिस्ट आएगी और हमारी कब ज्वाइनिंग पड़ेगी, लेकिन आज हमें ये सुनने को मिल रहा है, हम कल से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, रात भर हमने यहाँ कल बैठे हैं, बारिश पूरी बारिश में, कल कितनी बारिश थी, पूरी बारिश में हम यहाँ बैठे हैं, रात को हमें पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, 1 घंटे बाद हमें छोड़ दिया गया कि आप घर जाओ, लेकिन हम नहीं, हम घर नहीं गए थे, हम फिर से वापस यहीं आए थे और कैंडल मार्च यहाँ रात को किया था, अब सुबह हम फिर से यहाँ आके बैठे हुए हैं, हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, हम घर नहीं जाएं, हम क्या मुंह लेके घर जाएं, क्या बताएंगे घर जाके कि हमारी लिस्ट जो स्क्रैप कर दी जाएगी, हमारे 2 साल की मेहनत जो है वो बेकार चलेगी, हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम क्या मुंह दिखाएंगे, मतलब क्या उनको दिखाएंगे, क्या वो मोटिवेट हो गया हमसे कि आपके पेरेंट्स पढ़ के इतना मेहनत करके भी जॉब लेके भी मतलब कि जॉब उनसे छीन ली गई, हम घर नहीं जाएं। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आप पीस होने प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो ये क्या, ये नॉर्मली नॉर्मली जलाना, इसको बॉयलर चाहिए, हम क्या अपनी डिमांड भी नहीं सामने रख सकते मैम, किसे अपील करें, कोई आने को तैयार नहीं, पढ़ के देख लिया, कोई आने को तैयार नहीं, सरकार ने नतीजा दे दिया, आज चले चला के देख रहे हैं, तो पुलिस नतीजा दे रही है, कुछ नहीं यहाँ पे सिर्फ मैम, हमने आर्टिकल 372 टूटने के बाद सर अभी तक हमें जॉब्स नहीं मिली है, जो हमें दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे ना, अभी तक फुलफिल नहीं करे गए हैं, हमने सर अभी तक हमने ना किसी नेता को अप्रोच नहीं करा।